हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी ओरिजिनल। तो गाइस, मैं आज आपको अपने बाइक को कैसे साफ़ सुथरा रखता हूँ, कैसे क्लीन करता हूँ। मेरा बाइक एक साल हो चुका है और अभी तक बहुत शाइन है, तो मैं ऐसे इसको कैसे ऐसे रखता हूँ उसके बारे में बताऊँगा। तो सबको ये देखिए, तो गाइस ये सबसे मैं अपने बाइक को क्लीन करता हूँ। तो पहले आते हैं इसके ऊपर, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ गाइस। ये मैट ब्लैक के लिए बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, ये मैट ब्लैक है, बहुत शाइन आ रहा है इस पर। उसके बाद आता है ये ऑटो वाश, इससे हम अपने बाइक को धोते हैं, मतलब क्या ऐसे शैम्पू है बाइक का शैम्पू, इससे जहाँ तक आपके हाथ नहीं जाता है वहाँ पर ये अगर ये चला गया तो ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाता है। उसके बाद आते हैं इससे, ये भी मैट ब्लैक के लिए बहुत अच्छा है, शाइनिंग के लिए थोड़ा सा कमज़ोर है, मतलब क्या शाइनिंग के लिए थोड़ा दाग आ सकता है, ये भी मैट ब्लैक के अच्छा है। और ये है रबिंग कंपाउंड, ये इतना ख़ास नहीं है लेकिन काम करता है यार, ज़्यादा ख़ास नहीं है। अगर आप इसको भी मैट ब्लैक पे यूज़ कीजिए तभी तो आपका जो स्क्रैच है वो चला जाएगा, लेकिन अगर आप शाइन पे करोगे तो आपका शाइन चला जाएगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेड ये है कि आप ये यूज़ ना करें, सिर्फ मैट ब्लैक पे करें। और ये शाइनिंग के लिए वैक्स पूल का है, ये आप शाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये शाइनिंग के लिए बहुत अच्छा है, मेरा भाई इससे ही शाइन होता है। और ये है लेदर पॉलिश, इसको मैं अपने जहाँ पर ग्राफिक्स है वहाँ पर लगाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये देख सकते हैं। और यहाँ पर भी ये भी लेदर का है, तो मैं ये इसको साइन करने के लिए यहाँ पर भी लगाता हूँ। मैं लेदर पॉलिश सिर्फ अपने ग्राफिक्स पर लगाता हूँ और कहीं नहीं लगाता, क्योंकि अगर मैं ग्राफिक्स पर लगाता हूँ तो ग्राफिक्स साइन करता है और लास्टिंग अच्छा करता है। तो गाइस, मैंने अपने सारा बाइक का पॉलिश दिखा दी, मैं किस तरह से अपने बाइक को क्लीन करता हूँ। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल आइकन है उसको दबा दो या फोड़ दो, जो भी कर दो लेकिन दबा दो प्लीज़, ताकि मेरा जो वीडियो आने वाला है उसको आप देख सकते हो पहले। और इतना ही था।